नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे। आज हमारे विशेष मेहमान हैं श्रीमान राजेश जोशी साहब, जिनका आरके का ऑपरेशन हुआ था कई साल पहले। और आरके ऑपरेशन के बाद बहुत ही डिफिकल्ट होता है कैटरेक्ट सर्जरी करना, क्योंकि कैटरेक्ट सर्जरी आरके केस में अनेकानेक चुनौतियों से पूर्ण होती है। उसका कारण यह है कि आरके के बाद में कॉर्नियल जो रीडिंग होती है, के रीडिंग जिसको बोलते हैं, उसका कॉर्नियल रीडिंग का पावर कंट्रोल करना और इंट्राओकुलर लेंस पावर कैलकुलेट करना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें प्लस में रिफ्रैक्टिव सरप्राइज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपरोपिक शिफ्ट। हाइपरोपिक शिफ्ट को रोकने के लिए हम लोग काफ़ी 3-4 बार बहुत ही केयरफुली जाँच कराते हैं, और आदरणीय राकेश जोशी साहब ने भी 3-4 बार इनकी जाँच हुई अच्छे से, और उसके पश्चात अभी इनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के पश्चात धीरे धीरे रोशनी में सुधार हो रहा है। और इस ऑपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आपका आरके हुआ हो, तो आप हमेशा साल में 2 बार पर्दे की दवा डाल के जाँच जरूर कराएं, क्योंकि आरके मायोपिक केसेज में होता है, और मायोपिक केसेज में पर्दे में छेद होना, डिटैचमेंट होना आदि समस्याएं हो सकती है। इसलिए नेत्र तो ध्यान है, आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि आँखों की जाँच हर 6 महीने में 2 बार कराएँ। तो मैं आदरणीय राकेश जी साहब से निवेदन करूँगा कि इस विशेष अवसर पर आपको कुछ संदेश देंगे, अपना अनुभव से करेंगे कि किस प्रकार से उनका अनुभव रहा है। आदरणीय जोशी साहब, मैं 15 तारीख को डॉक्टर साहब के पास आया, और उसके बाद इन्होंने लगातार 3-4 बार अलग अलग मशीनों पे मेरे नंबर मतलब प्रॉपरली कैलकुलेट किए, और आज 18 तारीख को एक बहुत सफलतापूर्वक और अच्छी सर्जरी कैटरेक्ट सर्जरी में निकली, और अभी विजन मुझे काफ़ी पहले की तुलना में बेटर नज़र आ रहा है, और मैं सोचता हूँ कि अब काफ़ी अच्छी रिकवरी इसमें मिलेगी। तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो इसमें आरके केस में क्या होता है कि जो विजन फ्लक्चुएट होता है, सुबह जब हम सो के उठते हैं तो आरके इंसिजन में सूर्य इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से सुबह की विजन थोड़ी ब्लरी होती है, और उसके बाद धीरे धीरे वो साफ हो जाती है। लेकिन मेडिकल साइंस के सबसे जो महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं, उससे अब आरके केसेज भी चुनौतीपूर्ण केसेज भी मैनेज हो सकते हैं। और अभी जो टेक्नोलॉजी आई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरके में विस्को इलास्टिक जो यूज़ करते हैं, वो कॉर्नियल सर्जरी बेस्ट, उससे कॉर्निया को नुकसान कम से कम होता है, और इसके साथ साथ ही मिनिमल फेको पावर, मिनिमल फेको एनर्जी और मिनिमल मूवमेंट इनसाइड पे आई होनी चाहिए, जिससे कि आरके इंसिडेंट में कोई किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं हो, वो इंसिडेंट ओपन अपनी हो। कभी कभी जब लेंस इंजेक्टर से डालते हैं, तब इंसिडेंट खुल सकते हैं, इसी स्थिति में एक हल्का सा माइक्रो सुचर्स लगा देते हैं, जिससे कि इंसिडेंट वो पैक हो जाए। कई बार करता है इंसिजन जब खुल जाते हैं और उसको अपेक्ट नहीं करते, उसको सुटरिंग नहीं करते, तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए आरके एक उस जमाने की सबसे कॉमन पद्धति थी, और आजकल आरके का जो रिप्लेसमेंट है, वो लेसिक लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी के माध्यम से हो चुका है। और इस प्रकार इन केसेस में भी आजकल अच्छा मेडिकल आउटकम आना संभव हो सका है। धन्यवाद। नमस्कार।